तो गाइस डेली कम्यूट के लिए अगर आप लोगों को कोई परफेक्ट बाइक ढूंढ रहे हो तो यामा की एक बाइक है जो कि है FZ SV4। इस बाइक में नया इंजन अपडेट आ चुके हैं और इसी के साथ इस बाइक में क्या कुछ नए बदलाव हुए हैं, इसकी जो प्राइस है वो अब आपको कितनी देखने मिलने वाली है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम लेट्स रश दिस वीडियो। तो गाइस सबसे पहले आपको इस बाइक के प्राइस के बारे में बता देता हूँ। अब ये जो E20 वाला वर्जन है इसके कारण जो इस बाइक की अब आपको प्राइस देखने मिलती है एक शोरूम मुंबई प्राइस आपको अराउंड 1,29,000 के आसपास देखने मिलती है और जो इसकी ऑन रोड मुंबई प्राइस है वो है करीबन 1,54,000। ये जो प्राइस है थोड़ी बहुत वेरी हो सकती है और अगर आप लोगों को अपने सिटी में इस बाइक की प्राइस जानना है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अब बात करते हैं इस बाइक के चेंजेस वगैरह के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग इस बाइक के लुक्स वगैरह देख लो, काफ़ी बेसिक से लुक्स है। 155cc की ये बाइक है लेकिन जो लुक्स है बहुत ही अच्छे आपको इस बाइक में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। यहाँ पर ये जो आप लोग हेडलाइट देख रहे हो ये अब चेंज कर दी गई है। अगर आप लोग इस बाइक के V3 वाले वर्जन को देखोगे तो उसके कंपेयर में ये सेटअप पूरा कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। यहाँ पर आपको LED लाइट्स मिल जाती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका DRLs आप लोग देख रहे हो और लाइट्स मैं आपको दिखा देता हूँ इसका कैसा है। तो ये आप लोग इसका LED सेटअप देख सकते हो जिसमें आपको हाई बीम लो बीम इसी में मिल जाता है। यहाँ पर यामा का छोटा सा आपको लोगो मिलता है। इंडिकेटर्स जो आप लोग देख रहे हो ये भी आपको LED में ही प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। अब चलते हैं पीछे के तरफ, तो पीछे की जो टेल लाइट है ये भी आपको LED में ही ऑफर की जा रही है। इंडिकेटर्स जो है वो भी सेम आपको LED में देखने मिलते हैं। साथ ही के साथ नंबर प्लेट के लिए भी यहाँ पर एक लाइट का प्रोविजन दिया गया है जिसमें आपको हेलोजन लाइट्स मिलती है, यहाँ पर आपको LED लाइट्स नहीं दी गई है। लाइटिंग डिपार्टमेंट में कम्प्लीटली आपको इस बाइक में LED लाइट्स मिलती है। पहले जो इसका V3 वाला वर्जन आता था उसमें कहीं कहीं आपको हेलोजन लाइट्स दी गई थी लेकिन अब कम्प्लीटली कंपनी वालों ने इसमें LED लाइट्स आपको दे दी है। गाइस अब बात करते हैं इस बाइक के टायर्स, इसके ब्रेक्स और इसके सस्पेंशन के बारे में। स्टार्ट करते हैं फ्रंट सेक्शन से, तो यहाँ पर फिटेड सेक्शन का टायर ऑफर किया जा रहा है जो कि MRF की तरफ से ये टायर्स आपको मिलते हैं। साथ ही के साथ 17 इंच का यहाँ पर अलॉय व्हील्स आपको देखने मिल जाता है। बात करें इसके ब्रेकिंग ड्यूटीज़ के बारे में तो यहाँ पर फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक तो मिल ही रही है, साथ ही के साथ आपको इसमें ABS भी मिलता है। ABS की रिंग आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। 2-piston कैलिपर के साथ ये डिस्क ब्रेक आपको ऑफर की जा रही है, तो जो क्वालिटी है ब्रेकिंग की वो भी अच्छी है। बाकी सस्पेंशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ऑफर किया जा रहा है। इसका जो ट्रैवल है वो आपको स्क्रीन पर कहीं पर दिख रहा होगा। वहीं बात करें इसके रियर सेक्शन के टायर्स, ब्रेक्स और सस्पेंशन के बारे में, तो पीछे आपको 140 सेक्शन का टायर मिल रहा है जिसमें आपको 17 इंच का ही अलॉय व्हील्स देखने मिलता है। ब्लू कलर के साथ ये अलॉय व्हील्स है और इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही सही मिल रही है। बाकी जो डिस्क ब्रेक आप लोग देख सकते हो यहाँ। और रियर सस्पेंशन के बारे में बात करें तो पीछे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन ऑफर किया जा रहा है। गाइस अब बात करते हैं इस बाइक के हार्ट के बारे में, यानी कि इस बाइक के इंजन के बारे में। यामा की इस FZS जो वर्जन 4 है इसमें जो बड़ा अपडेट आया है वो है कि ये जो इंजन आप लोग देख रहे हो ये अब OBD2 नॉर्म्स को फॉलो करेगा। साथ ही के साथ E20 इंजन ही आप लोग देख रहे हो, यानी कि 20% तक आप लोग एथेनॉल का यूज़ कर पाओगे जिसके कारण ये जो बाइक है अब और भी ज़्यादा फ्यूल इफिशेंसी बन गई है। पहले भी थी लेकिन एथेनॉल के कारण अब ये बाइक और भी ज़्यादा आपको फ्यूल इफिशेंसी है। जो पेट्रोल का पैसा है वो कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सेव होगा। तो इसमें आपको 149cc डिस्प्लेसमेंट के साथ इंजन ऑफर किया जा रहा है जो कि एक सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक वाला इंजन है। इस बाइक के अगर इंजन के बारे में और डिटेल्स बताऊं तो इसमें आपको FI टेक्नोलॉजी देखने मिलती है। एयर कूल्ड के साथ ये इंजन आपको मिल रहा है, लिक्विड कूल यहाँ पर आपको नहीं मिलता है, ध्यान रखना इस बात का। बाकी इसके अगर पावर फिगर्स के बारे में बताऊँ, ये जो इंजन है मैक्सिमम पावर आपको निकाल के देता है करीबन 12.2 BHP का एट 7,250 RPM पर, और जो मैक्सिमम टॉर्क है वो आपको 13.3 Nm का देखने मिल जाता है 5,500 RPM पर। इस बाइक के अगर टॉप स्पीड और माइलेज के बारे में बात करें तो इस बाइक में आपको अराउंड 130 से लेकर 140 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड आप लोग इजीली इस बाइक के साथ अचीव कर सकते हो। और माइलेज के बारे में बात करें तो अराउंड 35 से लेकर 40 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको इजीली ये बाइक निकाल के दे देगी सिटी और हाईवे पर। तो वो भी डिपेंड करता है आप लोगों पर, आप लोग किस तरह इस बाइक को चलाते हो। बाकी गाइस अब बात करते हैं इस बाइक के टॉप व्यू के बारे में, तो यहाँ पर आप लोग देख लो सिंगल टाइप की आपको सीट ऑफर की जा रही है। कुशनिंग के बारे में बताऊँ तो ना ज़्यादा सॉफ्ट है ना ज़्यादा हार्ड है, तो ऑन एवरेज सीट क्वालिटी यहाँ पर आपको ऑफर की जा रही है। इस तरफ आपको बड़ा सा फ्यूल टैंक इसका देखने मिल जाता है जो कि 13 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ
आपको ये देखने मिलता है। बाकी बात करें इसके कंसोल के बारे में, तो यहाँ पर आप लोग देख लो फुली डिजिटल कंसोल आपको अब ऑफर किया जा रहा है। ये वाला जो कंसोल है ये आपको MTO और R15 में देखने मिलता था, वही कंसोल अब आपको स्पाइक में भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो फुली डिजिटल कंसोल है, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, टाइम वगैरह और रियल माइलेज जो है वो भी आपको शो करेगा। इस बाइक के कंसोल में आपको गियर पोजिशन इंडिकेटर नहीं देखने मिलता है, बाकी न्यूट्रल और इंडिकेटर, ABS, ये सभी के इंडिकेशन आपको देखने मिलते हैं। हैंडल बार के इस तरफ आप लोगों को इंजन किल स्विच मिल जाता है, सेल्फ का बटन नीचे दिया गया है और जो ब्रेक लीवर है ये नॉन एडजस्टमेंट के साथ आता है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट नहीं कर पाओगे। बाकी लेफ्ट हैंड साइड में आपको हाई बीम और पासिंग का भी इसके नीचे ही ऑप्शन दिया गया है, टर्न इंडिकेटर का स्विच और हॉर्न भी आप लोग इस बाइक का सुन लो, तो थोड़ा सा लाउड है इसका हॉर्न, बाकी सही है। बाकी जो क्लच लीवर है ये भी आपको नॉन एडजस्टमेंट के साथ आता है। बाकी इसके जो मिरर्स है वो आप लोग देख लो, थोड़े से शार्प एजिंग के साथ इसके मिरर्स ऑफर किए जा रहे हैं जो कि कम्प्लीटली इस बाइक पे बहुत ही अच्छे से सूट कर रहे हैं। बाकी गाइस अब आप लोग FZ SV4 का साउंड सुन लो, इसका साउंड आप लोगों को कैसा मिलता है। तो मैं बाइक को स्टार्ट कर लेता हूँ। कमेंट सेक्शन में आप लोग हमें बताओ साउंड कैसा लगा। यामाहा FZ SV4 आपको टोटल 3 कलर ऑप्शंस के साथ देखने मिलती है। एक आप लोग अभी ये ग्रे कलर देख रहे हो, इसके अलावा 2 कलर ऑप्शंस आपको और देखने मिलते हैं जिसमें से एक है ब्लैक गोल्ड और जो तीसरा कलर है वो है रेड गोल्ड। तो ब्लैक गोल्ड की जो वीडियो है क्लिप वो आपको दिख रही होगी, बाकी जो रेड कलर की है वो मैं आपको दिखा दूंगा अगर मुझे मिल जाएगी, नहीं तो आप लोग गूगल कर लेना, यहाँ पे इमेज कहीं पे शो कर दूंगा। तो 3 कलर ऑप्शंस के साथ यामाहा की ये FZ SV4 आपको देखने मिलती है। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपको इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।